नमस्कार, फर्स्ट इंडिया के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी रात थके ब्रजवाला। जब भगवान कृष्ण की बात हो और राजनीति की चर्चा नहीं हो तो बड़ा अटपटा लगता है, और राजनीति में भी जब छात्र राजनीति की बात होती है तो लगता है कि निश्चित तौर पर कहीं हम कुरुक्षेत्र में ही खड़े हैं। ऐसे ही कुरुक्षेत्र में चक्रव्यूह को तोड़कर जीत दर्ज करने वाले NSUI के नेता और राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ के नए अध्यक्ष सतवीर चौधरी आज हमारे साथ हैं। सतवीर जी, बधाई हो आपको बहुत बहुत। थैंक यू। ये जीत कैसे हुई, क्या लगता है, किसे कैसे इस व्यूह को तोड़ा, कैसे इस राजनीति के व्यूह को तोड़ा, कैसे जीते आप? हम इसे ये कह सकते हैं कि ये विश्वविद्यालय के आम छात्र की जीत है। कहीं ना कहीं जो पूरे साल भर मौजूद रहकर राजस्थान विश्वविद्यालय में आम छात्र के हितों में NSUI के कार्यकर्ताओं ने कार्य किया, जिन मुद्दों के साथ, जिन घोषणाओं के साथ हम छात्र संघ का चुनाव लड़ रहे थे, वो आम छात्र की समस्याओं से जुड़ी थी। कहीं ना कहीं पिछले सालों में जो हमने NSUI छात्र संघ की ओर से जो काम किया और छात्र संगठन की ओर से जो काम किया, वो सतवीर छात्र संघ की राजनीति है तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो। काम छात्र नेता कितने करते हैं ये भी सब जानते हैं, असलियत तो सब जानते हैं। क्या इन सब तरह के जो जिस तरह की बात बता रहे हो उसका कोई असर पड़ता है, या वही जातिवाद, धनबल, भुजबल, उन सब के दम पे छात्र राजनीति चलती है आजकल? जब से मैंने छात्र राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लिया है, तब से मैंने जाति, धर्म, क्षेत्र और ये धनबल, बाहुबल, इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर एक आम छात्र के हित में कार्य किया है। निश्चित रूप से आपको बताना चाहूँगा कि जब भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने मुझे NSUI जब राजस्थान विश्वविद्यालय में चेहरा बना के भेजा, उस समय उन्होंने एक आम छात्र को चुनाव लड़ने का मौका दिया। चूँकि मैं एक सामान्य किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं, जैसा तुमने बताया कि तुम टॉपर भी हो राजस्थान विश्वविद्यालय के, इतना अच्छा भाषण देना कैसे आ गया? बिल्कुल नेताओं की तरह बोल रहे हो कि किस तरह से तुमने क्या किया, क्या किसी ने सिखाया या अपने आप ही आ गई ये बात? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब मैंने सन 2009 में कॉमर्स कॉलेज में प्रवेश लिया था, उस समय जो राजस्थान विश्वविद्यालय में और उसके कॉलेजों में जो समस्याएं थी, छात्र समस्याएं, उनको देखते हुए मैंने छात्र राजनीति में और भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन की सदस्यता ली। मैंने परिस्थितियों से सीखकर ये सब चीज़ें सीखी। साथ में मैंने नेताओं की तरह भाषण देना, देखिए मैं बताना चाहूँगा, इस तरह से कोई, मुझे एक चीज़ बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि राजस्थान विश्वविद्यालय से जातिवाद खत्म हो गया? क्या तुम्हें लगता है कि राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनावों में पैसे का उपयोग नहीं होता? क्या तुम्हें लगता है कि आम छात्र जिसके पास 2 रुपये नहीं है वो छात्र संघ का चुनाव लड़ सकता है, दिल पे हाथ रख के, क्योंकि आप छात्र संघ के अध्यक्ष बन चुके हो? कोई भी छात्री या छात्र नेता लिंग 2 कमेटी के जो नियम निर्धारित कर रखे हैं उनके अनुसार अगर छात्र संघ चुनाव लड़ता है तो निश्चित रूप से उसे समस्याओं का सामना जरूर करना पड़ता है, लेकिन ये असंभव कार्य नहीं है। मैंने मेरा छात्र संघ का चुनाव राजस्थान विश्वविद्यालय में जो लिंग 2 कमेटी के नियम है उनके मुताबिक चुनाव लड़ा, और निश्चित रूप से हमने लिंग 2 कमेटी का सम्मान किया। सतवीर, बहुत अच्छी बात है। क्या लगता है विश्वविद्यालय में क्या करने जा रहे हो? युवाओं में एक आक्रोश है इस राज्य सरकार के विरोध में, इन सांप्रदायिक ताकतों के विरोध में, जिन्होंने इस प्रदेश के युवा को, इस विश्वविद्यालय के युवा को शिक्षा से दूर करने का प्रयास किया, कहीं ना कहीं इस प्रदेश के युवा को बेरोजगार करने का प्रयास किया और इस शिक्षा में राजनीति करने का प्रयास किया। सतवीर, ये तो भाजपा की सरकार ने किया। हम जानते हैं कि राजस्थान विश्वविद्यालय देश के किसी समय प्रमुख विश्वविद्यालयों में था, 7वां नंबर आता था। आज जिस तरह से रसातल में पहुंच गया है 100वें नंबर पे भी नहीं आता, 100 विश्वविद्यालयों में इसकी गिनती नहीं होती। इस विश्वविद्यालय के हालातों को सुधारने के लिए कोई एम रखा है, या NSUI और कांग्रेस की राजनीति में ही उलझ के रह जाओगे? जिन घोषणाओं के साथ हमने छात्र संघ का चुनाव लड़ा है उन मुद्दों को लेकर राजस्थान विश्वविद्यालय में एक शैक्षणिक माहौल और एक शैक्षणिक वातावरण तैयार करने का प्रयास करेंगे, एक पढ़ाई का माहौल तैयार करने का प्रयास करेंगे। कैसे होगा, क्या सोचते हो कि राजस्थान विश्वविद्यालय में माहौल कैसे बदले, शैक्षणिक माहौल की बहाली कैसे हो, शिक्षक पढ़ाने आए और विद्यार्थी पढ़ने आए, कैसे यहाँ रिसर्च का काम पूरा हो,
कैसे यहाँ की व्यवस्थाएं सुधरे, क्या सोच है? मेरी ये सोच है कि इस विश्वविद्यालय में शैक्षणिक वातावरण तैयार करने के लिए, पढ़ाई का माहौल तैयार करने के लिए कहीं ना कहीं हमने राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन से भी सहयोग मांगा है। विश्वविद्यालय प्रशासन अगर सहयोग करेगा तो राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ पहल करके एक छात्र जागरूकता कार्यक्रम पूरे विश्वविद्यालय में और उसके संकटक कॉलेजों में और विभागों में चलाएगा, जिसके तहत हम छात्रों को क्लासों की ओर आने के लिए जागरूक करेंगे और राजस्थान विश्वविद्यालय में एक शैक्षणिक माहौल तैयार करेंगे ताकि इस विश्वविद्यालय में छात्र जिस मकसद से, पढ़ाई के मकसद से जो विश्वविद्यालय में प्रवेश लेता है। पर छात्र कहते हैं सतवीर कि हम तो जाते हैं, टीचर मिलते ही नहीं हैं। देखिए, मैं बताना चाहूँगा, राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ ने कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय प्रशासन से भी ये सहयोग मांगा है कि जो टीचर क्लासों में नदारद रहते हैं, जो विश्वविद्यालय में नियमित रूप से नहीं आते, उन टीचरों की मॉनिटरिंग हमारे आदरणीय कुलपति जी स्वयं करेंगे। हमारी पिछले दिनों में इस संबंध में छात्र संघ की और विश्वविद्यालय के DSW और कुलपति जी की एक बैठक हुई है, उसमें हम सब ने यही निर्णय किया है कि कैसे इस विश्वविद्यालय में हम पढ़ाई का माहौल बना सकें और विश्वविद्यालय का छात्र रेगुलर यहाँ पढ़ाई के लिए आ सकें। इस राजस्थान विश्वविद्यालय का इतिहास बताता है कि राजनीतिक दलों से जुड़े हुए छात्रों ने इस माहौल को खराब किया है। तुम भी एक राजनीतिक दल से जुड़े हुए हो, कैसे राजनीति से बचाओगे विश्वविद्यालय को, कैसे राजनीति से दूर रखोगे इस परिसर को? जिस प्रकार हजारों छात्र छात्राओं ने मुझ पे विश्वास करके राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र संघ में कहीं ना कहीं मुझे प्रतिनिधि बना के भेजा है, तो उनकी जो मेरे से आकांक्षाएं हैं, जो उनकी मेरे से कहीं ना कहीं जो एक्सपेक्टेशन है, उन पे मैं पूरी साल खरा उतरते हुए उनकी समस्याओं को लेकर और जिन मुद्दों के साथ हम आए हैं इस विश्वविद्यालय में छात्र संघ में, उन मुद्दों को प्राथमिकता देते हुए तो हम पूरे साल भर का, अगर कांग्रेस कोई राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा लगाएगी तो तुम शामिल नहीं होगे, विश्वविद्यालय शामिल नहीं होगा उसमें? कहीं ना कहीं जो ये छात्र संघ का चुनाव हुआ, मैं इसका पूरा क्रेडिट हमारे विश्वविद्यालय के आम छात्र को और साथ ही हमारे देश के नेता राहुल गांधी जी को देना चाहूँगा। जिस प्रकार एक विश्वविद्यालय के और इस प्रदेश के छात्रों ने इन सांप्रदायिक ताकतों को जो जवाब देने का प्रयत्न किया है, इस छात्र संघ चुनाव के माध्यम से एक करारा तमाचा मिला है इस राज्य की सरकार को और इस देश के कहीं ना कहीं जो हिटलर मैन कहे जाते हैं इस देश के प्रधानमंत्री को, कि उन्होंने जो शिक्षा में राजनीतिकरण का प्रयास किया है। तो ये तुम्हारा मानना है कि शुरुआत में तुमने कहा था कि तुमने जो काम किया विश्वविद्यालय में उसके कारण छात्र तुम्हारे से जुड़ा, लेकिन हम बता रहे हो कि नरेंद्र मोदी की तानाशाही और वसुंधरा राजे के शासन के कारण, तो इसका मतलब तुम्हारा कोई योगदान नहीं है, इन पॉलिटिकल हालातों का योगदान है जिसके चलते NSU यहाँ जीती है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं राजस्थान विश्वविद्यालय में मैंने पिछले 5 सालों में NSUI का एक आम कार्यकर्ता बन के काम किया, साथ ही जो वर्तमान जो हालात है इस प्रदेश में और शिक्षा के क्षेत्र में कहीं ना कहीं, तो युवाओं का जो भारी बहुमत से जिताने का जो मार्जिन रहा, वो जो वर्तमान के हालात है उनको देखते हुए, युवाओं के मुद्दे और विश्वविद्यालय के बीच में किसी को चुनने की बारी आई, मेरे लिए सबसे पहली प्राथमिकता युवाओं का हित रहेगा। मैं किसी प्रकार से कोई राज्य सरकार की परवाह नहीं करूंगा इस बारे में, जो राजस्थान विश्वविद्यालय के युवा के हित में काम होगा मैं उस दिशा में कार्य करूंगा। और निश्चित रूप से हमें अगर सड़कों पे भी आना पड़ा तो हम राजस्थान विश्वविद्यालय में एक छात्र आंदोलन भी करेंगे और युवाओं के हित में पूरे साल भर कार्य करेंगे। सर, मैं 2009 से सक्रिय हूँ, क्या लगता है इतने सालों में पता लग गया होगा कि राजस्थान विश्वविद्यालय के सामने समस्याएँ क्या हैं? राजस्थान विश्वविद्यालय में उसके संकटक कॉलेजों में सबसे पहले जब मैंने प्रवेश लिया था, उस समय से लेके आज जब मैं राजस्थान विश्वविद्यालय में डबल पीजी का छात्र हूँ, तो मैंने लगभग पिछले 5-6 साल का समय जो विश्वविद्यालय के छात्रों में बिताया, कहीं ना कहीं उन समस्याओं को मैं भलीभांति जानता हूँ। क्या तो हैं वो समस्याएँ? सबसे अहम और जो मोटी समस्या है वो विश्वविद्यालय में प्लेसमेंट की है। विश्वविद्यालय में पढ़ाई का वातावरण नहीं बन पाता, एक तो इस पढ़ाई के वातावरण नहीं बन पा रहे के कारण जो है विश्वविद्यालय के छात्र को यहाँ प्लेसमेंट नहीं मिल पाता कि विश्वविद्यालय की डिग्री से वो कहीं रोजगार। क्या लगता है सतवीर की जो जिस तरह की शिक्षा विश्वविद्यालयों में दी जा रही है, कॉलेजों में दी जा रही है, वो कहीं भी प्लेसमेंट के लायक है, कहीं भी नौकरी के लायक है, कहीं भी कोई काम करने लायक है? BA, MA, MCOM, BCOM, BSc, MSc किया हुआ, यहाँ से डिग्री लेके निकला हुआ व्यक्ति, वो फील्ड के अनुसार, व्यापार के अनुसार, या जो समाज की जो जरूरत है, जो बाजार की जरूरत है, उसके हिसाब से तैयार ही नहीं है, तो क्या लगता नहीं है कि अब ऐसा समय आ गया है कि हमें इस तरह के कोर्स को चेंज करना चाहिए?
देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि निश्चित रूप से जो राजस्थान विश्वविद्यालय है उसके संकटक कॉलेजों में जो डिग्रियाँ छात्र जिनमें अध्ययन कर रहे हैं उनकी शिक्षा जो शिक्षा है उन उसकी गुणवत्ता में सुधार की जरूरत ज़रूर है। लेकिन कहीं ना कहीं हमने जो पिछले दिनों में हमारी छात्र संघ पदाधिकारियों की और प्रशासन के मध्य जो वार्ता हुई है उसमें कुलपति जी ने हमें यह आश्वासन दिया है कि विश्वविद्यालय में नए पाठ्यक्रम लाए जाएंगे और इस विश्वविद्यालय को एक बदलाव की दिशा में ले जाएंगे और एक कहीं ना कहीं परिवर्तन। क्या लगता है, मेरा ये कहना है कि क्योंकि 5-6 साल हो गए सतवीर तुम्हें यहाँ पढ़ते हुए, तुम तो राजनीति में आ गए लेकिन तुम्हारे कई दोस्तों ने तो नौकरी की तलाशी की होगी ना, उनको शायद नौकरी भी नहीं मिली होगी। नौकरी इसलिए नहीं मिली होगी कि कहा होगा बाजार में जब गए होंगे तो कहा होगा कि इस डिग्री का क्या होता है, तुम्हें आता तो है नहीं कुछ काम। तो क्या लगता है कि लगता नहीं है कि अब इस पढ़ाई के साथ कोई ना कोई काम धंधा भी आए, कोई स्किल आए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए विश्वविद्यालय में? बिल्कुल, हम ये मानते हैं कि राजस्थान विश्वविद्यालय में एजुकेशन के साथ साथ कहीं ना कहीं छात्रों के लिए स्किल डेवलपमेंट या कई प्रकार के जैसे प्रोग्राम होते हैं कि एक विश्वविद्यालय का छात्र ऐसा तैयार होकर जाए कि ये राजस्थान विश्वविद्यालय का छात्र है, इन्होंने यहाँ से डिग्री ये डिग्री ग्रहण की है और ये विश्वविद्यालय इस पूरे प्रदेश में और इस देश में कहीं ना कहीं उसको रोजगार के अवसर मिल सके। इसके लिए हम जो हमारी पहली प्राथमिकता है विश्वविद्यालय में एक शैक्षणिक माहौल तैयार करेंगे ताकि इस विश्वविद्यालय के लिए कहीं ना कहीं छात्र जागरूक होकर क्लासें ले और इस विश्वविद्यालय में एक अच्छी शिक्षा मिले उसको, ताकि वो भविष्य में इस प्रदेश में। एक और सर्वीर, एक बड़ा मामला और है कि विश्वविद्यालय में बड़ी संख्या में छात्राएं भी पढ़ती हैं, समाज में जो माहौल है विश्वविद्यालय में उससे भी गंदा माहौल है, छात्राओं की सुरक्षा एक बड़ा सवाल है। हमेशा आए दिन बातें उठती रहती हैं, छात्रा दुर्व्यवहार का शिकार होती रहती हैं, सुरक्षित सा माहौल महसूस नहीं करती हैं। विश्वविद्यालय में जैसे जैसे पढ़ाई ओपननेस आती जा रही है वैसे वैसे छात्राओं की सुरक्षा का मामला बड़ा गंभीर होता जा रहा है। और आज जन्माष्टमी का दिन है, जन्माष्टमी पता है सतवीर, द्रौपदी की रक्षा के लिए कृष्ण ने सब तीनों लोक छोड़ के और द्रौपदी की रक्षा में आ गए थे, और ये सवाल आज भी हमारे सामने खड़ा है कि आखिर में छात्राओं की रक्षा कैसे की जाए, इस पर चर्चा जारी रखेंगे। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।